नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी में एक काफी लॉन्ग पेंडिंग डिबेटेबल इशू आ रहा है रिलेटेड टू रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सप्लायर्स। जो सप्लायर की पेमेंट है, अगर वो आपने 180 डेज में पे नहीं करी फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, सो द स्टेच्यूट सेज दैट यू हैव टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विद इंटरेस्ट। और जब आप वो पेमेंट करेंगे तो आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिक्लेम करेंगे, यानी रीअवेल करेंगे। तो ये तो एक जनरल बात है, ऑलमोस्ट सबको मालूम है, लेकिन हम इस पॉइंट में थोड़ा सा वी विल डू अ डीप डाइव इनटू दिस कंट्रोवर्सी एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एक्चुअल इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द मेन इश्यूज, वेदर दिस प्रोविजन इज इंट्रा वायरस और इट इज अल्ट्रा वायरस एज दी एक्ट एंड रूल्स आर नॉट सुटेबली अमेंडेड। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं डिस्कशन को। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली दो प्रोविजंस की। पहला प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो, और उसके बाद उसका जो सबोर्डिनेट रूल है, रूल नंबर 37। आपने भी सुना होगा कि ऑडिट प्रोसीडिंग्स जब चलती हैं अंडर 65, तो ऑडिट ऑफिसर्स जो हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स जो हैं, वो नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए 180 डेज में रिवर्सल को इंसिस्ट करते हैं कि आप इंटरेस्ट के साथ इसको रिवर्स करिए और बाद में जब आप पे करेंगे तो इसको रिक्लेम कर लीजिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की। आप स्क्रीन पे देखिए, 16(2) का जो बेयर एक्ट प्रोविजन है वो अमेंडेड प्रोविजन आपके सामने है। 16(2) का जो प्रोविजो कहता है कि अगर कोई रेसिपियंट अपने सप्लायर की पेमेंट करने में फेल होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस रेसिपिएंट ने अवेल किया वो पे करेगा अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्रिप्शन आएगा इन रूल नंबर 37। सो ये जो आपको अंडरलाइन ब्लू कलर का जो टेक्स्ट दिख रहा है, ये अमेंडेड वर्जन है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इससे पहले यहां पे था कि द रेसिपियंट की जो लाइबिलिटी है रिवर्सल की, दैट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं रिवर्स करूंगा, दैट विल बी एडेड टू माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड द मैनर वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 37। तो इंटरेस्टिंगली नाउ वी विल जंप टू रूल नंबर 37। देयर आर टू प्रोविजंस वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 37 इन डिटेल। रूल 37 इज ऑल्सो अमेंडेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 बाय द फाइनेंस एक्ट 2022, एंड नाउ रूल नंबर 37 इज डिजाइंड ड्राफ्टेड इन अ वे कि जो अमेंडमेंट से पहले रूल 37 था वो बात करता था कि आपको जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एक्सेस क्लेम किया, 180 दिन में पेमेंट आपने नहीं करी सप्लायर की, वो आपको जब 180 दिन कंप्लीट होंगे उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी GSTR 2 में वो लाइबिलिटी आपको एड करनी है। आप सब जानते हैं कि ना तो GSTR 2 आई ना GSTR 3 आई। GSTR 1, 2, 3 का जो इनिशियल ओरिजिनल प्लान था वो प्लान कोलैप्स हो गया। GSTR 2 कभी आई नहीं। GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी रिटर्न्स के साथ हमारा आज से जुलाई 17 से लेकर आज तक काम चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ना तो 16(2) को टाइमली अमेंड किया ना 37 को टाइमली अमेंड किया। अमेंडमेंट से पहले दोनों के दोनों प्रोविजंस एज पर द स्कीम ऑफ द एक्ट, जो प्रेजेंट जो स्कीम है उसके हिसाब से अमेंडेड नहीं थे। 16(2) को अमेंड किया गया 1 अक्टूबर 2023 से, 37 को अमेंड किया गया 1 अक्टूबर 2022 से। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि एक्चुअल में अमेंडमेंट हुई क्या है। 16(2) के सेकंड प्रोविजन की अमेंडमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि वहां पे एडिड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की जगह पे और रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट किया गया, और 37 में क्या अमेंडमेंट की गई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओल्ड रूल कहता था कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया, आपने अपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करी 180 डेज में, तो वो अमाउंट जो है जितना आपने एक्सेस क्लेम कर लिया नॉन पेमेंट की वजह से, उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म GSTR 2। जो प्रपोर्शनेट अमाउंट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ प्रपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर इन फॉर्म नंबर GSTR 2, यानी जितनी भी आपकी पेमेंट है, जितनी भी आपकी पेमेंट है आपको अपने सप्लायर को करनी है, वो आपको GSTR 2 फॉर्म में बतानी है। GSTR 2 फॉर्म कभी आया ही नहीं, और ये अमेंडमेंट की गई
फ्रॉम ओल्ड रूल टू न्यू रूल, नाउ द न्यू अमेंडेड इम्प्रोवाइज रूल सेज कि आपको जितनी पेमेंट आपने अपने सप्लायर की नहीं की, आई एम जस्ट रीडिंग द एंटायर प्रोविजन, और रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है इनवर्ट सप्लाईज में और वो फेल हो जाता है अपने सप्लायर की पेमेंट करने में विद इन द टाइम लिमिट्स ऑफ 16(2) का सेकंड प्रोविजो, तो उसको पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लायर प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर एंड ही हैज टू पे दैट अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 व्हाइल फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म 3B. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज क्लियर द नाउ द एक्ट एंड द रूल्स आर सिंक्रोनाइज्ड. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द प्रोविजंस ऑफ 16(2) सेकंड प्रोविजो एंड रूल 37, देर वॉज नो सुटेबल मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी. द अमेंडमेंट मेड इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. फ्रेंड्स, अगर आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास मशीनरी प्रोविजंस नहीं है, तो आप कभी भी हमें एनफोर्स नहीं कर सकते एक इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए. द लीगल मैक्सिम लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पोसिबिलिया क्लियरली अप्लाइज. 1/7/17 से लेके 30/9/2022 तक आप क्लियरली कहिए अपने प्रोफेसर को, अपनी अपीलेट अथॉरिटी को, कि साहब देर वॉज नो मशीनरी प्रोविजन, देर वॉज नो मैकेनिज्म, द अमेंडेड रूल्स एंड द एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, देयर फोर सेकेंड प्रोविजो टू रूल टू सेक्शन 16(2) कंप्लीटली कोलैप्स्ड एंड फेल्ड. 1/7/17 से 30/9/22 तक 180 दिन की पेमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है. प्रोस्पेक्टिवली वी हैव टू बेसिकली टेस्ट बिकॉज द एक्ट वॉज अमेंडेड लेटर एंड द रूल्स वर अमेंडेड अर्लियर. तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. 180 दिन की पेमेंट के लिए जो आईटीसी रिवर्सल की डिमांड कर रहे हैं आपका प्रोफेसर, उसको आप रिप्लाई करिए और आप उनको कहिए कि ऐसी डिमांड 30/9/2022 तक बनते ही नहीं है. आई होप इस डिस्कशन से आपको कुछ फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.